जयकारा पूर्णा हरि जी का जयकारा तोता तारी जी का जय श्री बाबा जी की। तो जंगलों में मंगल कर देते हैं जिथे बासा होवे संतां दा और उदे तोड़ा पटके रख देंदे जिहड़ा करे तमाशा संतां दा। रब नूं भी मलनी पे जांदी है कीता अरदासा संतां दा और रब भी नहीं खोल सकता जो लाया है ताला संतां दा। तो के नगर खेड़े में साधु संत आए कभी किसी का मजाक मत बनाओ क्योंकि इतना साधु संत किसी ने कुछ बोलते नहीं है जे फिर बोल देन तो फिर बोल देंगे। तो जे आपने चुपना नहीं तो थकड़ करके भी मत खड़ो जे हाथ नहीं जोड़ने तो उन्होंने देखो भी की झूठ बोले थे। तो किसी भी साधु संत का मजाक मत उड़ाओ जी अच्छा नहीं बोली होता था बुरा भी मत बोलो। साधु संत अपना चली आना आप अपने चल जाओ ये नहीं कि रस्ते जाते जाते इस तरह लिखना बोलन ले कई बाबे होंगे इदा के कई बाबे आते ये इस तरह लिखना बोलन ले कुछ नहीं होंगे बाबे बूबे है ना। बाबों का तो बाबों को ही पता होता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ना। तो किसी का भार सिर के ऊपर कानू लेना जे कोई रोटी मंगने वाला भी आता ना घर विच तो उसनों भी कदी माड़ा ना बोलो ठीक है जे नहीं दे होंगी तो उन्हों बोलो भी जय श्री बाबा जी पर जे है तो दे दो पर उसनों घर ते दकारो मत। इस जग में सबसे मिलिए भाई पता नहीं कौन से रूप में श्री बाबा पोनाहारी जी मिल जाए। तो मिलते तो हर वक्त हैं पर आई थिंक बात विश्वास की होती है प्यार की होती है ये नहीं होती है कि बस नहीं सब कुछ है दूजा कुछ नहीं ये बोलो कि मैं कुछ नहीं है दूजा सब कुछ है क्या है दूजा। हाँ जी फिर बात कमाल की हो जाती है। मोरों की बड़ी सुंदर सुंदर आवाज आ रही है तो ऐसा संकेत होता है कि बाबा जी का हमारे सदा आसपास आगमन हुआ है। तो बाबा जी हमारे आसपास ही खड़े लेकिन ऐसे खड़े नहीं होंगे उसका अनुभव होगा आपको ठीक है। तो अनुभव लेना है आपने उनकी फीलिंग्स को लेना है। जब फीलिंग्स हमें आनी शुरू हो जाती है अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होती है ना अच्छी तरंग फिर हमें बहुत अच्छी अनुभूति होने लगती है ठंडक ठंडक महसूस होती है जो अंदर शंका की गर्मी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो जय बाबा जी दी जय बाबा जी दी कहना चाहिंदा सदा हसदे रहना चाहिंदा जयकारा गुफा दे बासी जी दा बाबा जी की। एक बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी।